dali o pane e na chefe. Lida agora. Medal cheval bati. Banana atahe. कितना खुश हो रही है भाजी लेने के बाद. खुश? मैं खुश. मैं खुश. मोगैम्बो. हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो. तो लास्ट वीडियो में ना मैंने आपको एमिनिटीज दिखाई नहीं थी क्योंकि ना उस टाइम पे अंधेरा हो चुका था. तो मैंने अभी लीजा को बोला कि एमिनिटीज दिखाते हैं लोगों को कि हम रुके हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइस कि ना मैं यहाँ पे ना अभी अपार्टमेंट ना रेंट पे लिया हूँ, मैंने ख़रीदा नहीं है. क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कॉन्ग्रेचुलेशन, बट रेंट पे भी मतलब ना मुंबई में अच्छा अपार्टमेंट ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको पता है कि ब्रोकर वगैरह रहते हैं और आपके टाइम पे मिलना बहुत मुश्किल रहता है जो आपकी रिक्वायरमेंट रहते हैं. बट हमको मिल गया तो उसके लिए हम बहुत खुश है. बट अगर आपका आशीर्वाद और प्यार रहेगा ना तो थोड़े दिन में हम खरीद भी लेंगे जल्दी. In my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts, so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly, fly away. That's the only way to get that high, high, always. If you're looking for trouble. हवा चल रहा है अभी. अप्रैल मई के मंथ में बहुत गर्मी स्टार्ट होने वाली है मुंबई में और मैं बेलारूस में इतना दिन से था ठंडी एंजॉय कर रहा था. साला बेलारूस में था ना गर्मी मिस करता था और जब यहाँ पे आते ना लोगों से गर्मी ज़्यादा है. मतलब इंसान को ना हमेशा ना कंप्लेन रहता है लाइफ में, मेरा भी है वैसे ही. मतलब ना कभी ज़्यादा कुछ मिलेगा जो चाहिए और नहीं मिलेगा तो हर एक इंसान का रहता है ऐसा मोस्टली. चलता है यार, सही बात है ना. पापा सही बोल रहे ना. हाँ पापा सही बोल रहे ना. गाइस अभी ना हम लोग ना क्रेच रूम में है. इसको क्या बोलते हैं मैम? क्रेश. पहले था ना वहाँ पे ना मतलब ना कभी आप
बच्चे ना 1 साल के ऊपर रहेंगे ना, तो आप वहाँ पे ना बच्चे को रख के कहीं बाहर जाना है तो वहाँ पे एक मैम है जो बच्चे को देखते है, और वो ट्रेन मैम है कि उनको सब पता रहता है कि बच्चे मतलब ना एक स्टडीज होते हैं ना कि मतलब उनको पता है कि मतलब उन्होंने कोर्स किया है कि बच्चा 1 साल के ऊपर रहेगा तो मतलब क्या क्या चीज़ें देखनी है। तो किसी को कुछ अर्जेंट जाना है या कोई ऑफिस जाता है तो वहाँ पर बच्चे को रख के जा सकते हैं। और ये सीनियर सिटीजन रूम है, और वहाँ पे मैंने वो जिम कवर नहीं किया, सोना वगैरह कवर नहीं किया, क्योंकि मेरे को ना एक मेल भेजना पड़ेगा, वो मैं नेक्स्ट डे करके फिर वो उसको कवर करूँगा। तो लीजा को पूछा कैसा लग रहा है। लीजा भी फर्स्ट टाइम आई है, लीजा भी यहाँ पर आई नहीं थी, और लास्ट वीडियो मैंने बोला था आपको अम्यूनिटीज दिखाऊंगा मगर दिखा नहीं पाया था। तो कैसा लग रहा है लीजा? रावेश यहाँ पे भी अच्छा है, जो उम्रदार लोग रहेंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पापा है वो यहाँ पे आए, और यहाँ पे लाइब्रेरी वगैरह भी आएगा थोड़े दिन में, बुक आएगा तो लोग मिलेंगे, और जब उम्र होती है ना तो लोगों को ना अकेलापन का भी एहसास होता है, क्योंकि बच्चे बिजी रहते हैं अपने लाइफ स्टाइल में, काम में, तो वो अकेले रहते हैं, तो जब उनकी फ्रेंडशिप होगी, मिलना जुलना होगा तो और अच्छा हो जाता है, और सपोर्ट भी मिलता है मोरली, और लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है कि आपको इमोशनली सपोर्ट होना, फाइनेंशियली सपोर्ट होना भी बहुत ज़रूरी है, बट इमोशनली सपोर्ट होना, जब इंसान स्ट्रेसफुल डिप्रेस नहीं रहे, लाइफ में एक विल पावर रहेगा ना, तो सब कुछ अचीव कर लेगा। आप इंडिया में रहोगे ना, स्विगी जोमेटो लाइक बिग बास्केट जो भी ऑर्डर करो घर पे फटाफट आ जाता है, लाइक इंस्टेंटली, तो भाजी हो गया, कुछ भी चीज़ें चाहिए आज के टाइम पे ऑनलाइन हो जाता है, वो भी बहुत अच्छी चीज़ है। बट हमने अभी 2-4 बार भाजी ऑर्डर की थी ऑनलाइन, तो इतना मज़ा नहीं आया, तो उससे अच्छा जाके देख के सामने से लेंगे। जल्दी लीजा, सामने से देख के लेंगे ना, सामने से देख के लेंगे सामने से देख के लेंगे। हाँ, तो अभी सामने से देख के लेंगे भाजी। भाजी लेके मतलब क्या है? गतो में तो जखट कुपी बनाना भी नहीं, नहीं नहीं, लीजा मस्त दाल चावल बनाती है, भाजी बनाती है, और भिंडी का भाजी क्या बनाती हो तुम? दाल चावल आता है। लीजा को ना दाल चावल बनाने आता है, अभी भिंडी का भाजी भी सीख गई है, मस्त बनाती है, तो एक दिन वीडियो भी बनाएंगे। अच्छा, अभी इंडियन कल्चर के बारे में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही आई उसको मैं ज़्यादा डालूंगा तो वो भी बोलेगी कुछ ज़्यादा ही मेरे पे हो रहा है, तो इसलिए स्लोली स्लोली टाइम के हिसाब से। और क्या है, भिंडी का भाजी, दाल चावल, चाय, और क्या आता है? चाय, अंडा है, चाय सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं चाय के बिना रह नहीं सकता। अपना बेटा सो गया, अंकल नारियल पानी देना दो भाई, पानी वाला सर। आप भी बोलते रहे नारियल पानी काट रहे हो, क्या है इसमें, क्या है? यूट्यूबर लोग ना हर चीज शूट करते रहते ना, अभी नारियल पानी भी कट कर रहे ना, तो मैं वो भी शूट कर रहा हूँ। मुझे नारियल पानी पीना चाहिए। लीजा को ना पता हमेशा भी रहे, रोज सुबह सुबह बोलते रहे कि नारियल पानी, क्योंकि बेलारूस में हमको ना नारियल पानी मिलता नहीं है वहाँ पे, और क्लाइमेट भी आपको ठंडी रहता है वहाँ पे, खेती तो होती नहीं नारियल पानी के, नारियल पानी का झाड़ ही नहीं है मतलब, तो मुंबई में आके एंजॉय करें नारियल पानी। अरे जब भी नारियल पानी खरीदते ना तो मेरा ना हमेशा टेस्टी रहता है नारियल पानी, और नारियल पानी हमेशा टेस्टी रहता है मेरा, और लीजा जब भी लेती है ना तो उसका नारियल पानी ना इतना टेस्टी नहीं रहता है, तो लीजा बोल रही है मैं रुकी हूँ तू पी ले फिर देखती हूँ। थैंक यू। कौन सा देखते अच्छा है दुकान? लीजा का नारियल पानी ना, लीजा जो पी रही है वो टेस्टी है, मेरा वाला थोड़ा खट्टा है, बहुत ना अच्छे जो पानी वाला रहता है ना तो थोड़ा कड़वा रहता। क्या बोल रहे आप? जो सिर्फ पानी वाला रहता है ना थोड़ा कड़वा रहता। अच्छा, जो पानी वाला रहता है वो थोड़ा खट्टा जैसा रहता है ना, जो पतला वाला रहता है एक में थोड़ा पतला मिले हो मीठे। नहीं नहीं अच्छा है, टेस्टी है। एट द एंड क्या, अपने को पानी चाहिए रहता है, बस पानी रहना चाहिए बॉडी में, वैसे भी आपको पता है कि डिहाइड्रेशन रहता है, तो नारियल पानी हमेशा पियो,
और मैं आपको ये बोलूँगा कि ना असली वाला नारियल पानी पियो, जाके दुकान से बॉटल वाला खरीदते ना, आजकल कितना सारा है वो मतलब नहीं है। बट थैंक यू। मैं ना लीजा को ना भाजी खरीदना सिखा रहा हूँ, क्योंकि ना हम हमेशा ना स्विगी और वो जोमेटो सब पे मंगाते हैं और भाजी ना मज़ा नहीं आ रहा। तो अभी फ्रूट्स वगैरह लेंगे, भाजी लेंगे। मैंने इतना भाजी कभी देखा नहीं। क्योंकि अपने यहाँ पे बहुत सारा भाजी, लाइक भिंडी का हो गया, करेला हो गया, इसने करेला कभी देखा नहीं। तो मैं इसको बता रहा हूँ यहाँ पे करेला और सब, और यहाँ पे गार्लिक मिलता है, लहसुन वो भी छिला हुआ, वो सबसे अच्छी चीज़ है। वो अच्छा है कि मतलब उसको छिलने का ज़रूरत नहीं है, पाव किलो आधा किलो आप ले सकते हो, सही है। तो गाइस आपको मैं बोल रहा था छिला हुआ गार्लिक। मेरा ना फेवरेट भिंडी भाजी जो सबसे ज़्यादा मिस करता था, मैं वो बार बार खरीद रहा हूँ, वही बनाता हूँ। और लीजा को बहुत सारा भाजी का नाम ही नहीं पता है, करेला नहीं पता है, बैगन तो है वहाँ पर रहता है, और भिंडी नहीं पता है, परवल इसको क्या बोलते हैं, टेंडली, टेंडली भी किंगरू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किंगरू। तो अभी वो लीजा को मैं कैसे बताऊँ इसको क्या बोलते हैं रशियन में, लीजा क्या चाहिए, स्टो कोचेस पकाओ दे रुखा, पकाओ दे रुखा, समय पसंद उसको भिंडी मालिका गुरु लेडी फिंगर मार्कोफ्का पोमेदोर चिकी। शादी से पहले मैं कभी ना ये तो भाजी वगैरह ख़रीदा नहीं था, टमाटर का प्राइस क्या है, दाल चावल का प्राइस क्या है, कांदे का प्राइस, मेरे को कुछ नहीं पता था। अभी शादी के बाद ना मेरे को हर चीज़ पता चल गई है। मेरे पापा बोलते मेरे को और मेरी बहन बोलती है, शादी के बाद ना रोज़ जा रहा है डिपार्टमेंटल स्टोर सामान खरीदने के लिए। शादी के बाद ना इंसान टोटली चेंज हो जाता है, उसको सब कुछ करना पड़ता है और बीवी सब करवाती है, मतलब रहता ना, पहले मैं पार्टी वीटी करता था, बट अभी पार्टी वीटी बंद, फोकस घर गृहस्थी। कितना खुश हो रही है भाजी लेने के बाद, खुश, मैं खुश, मैं खुश, मोगैम्बो खुश है। मैं खाना बनाऊंगी, बैक टू होम गाइस। तो आयान ना अभी ना थोड़ा सा ना बोलने लग गया है और इसका मुंह ना थोड़ा सा चलते रहता आ कुछ ना कुछ ना, अकेले भी रहेगा ना तो भी बड़बड़ बड़बड़ करता रहेगा। बोलो आयान, हंस रहे कुछ ना कुछ चालू रहता, आऊ मंबल करते था आऊ आ। क्या हुआ है? आप ऐसा नहीं बोलते हो, कैसा बोलते हो बताओ, बताओ लोगों को कैसा बोलते हो, कुछ बोलो, लोग देख रहे हैं आपको, कुछ बोलो। जितना आता है ना उतना बोलने का ट्राई किया, ओ आ, ओ ओ ओ अरे लोगों को आपका डायपर नहीं देखना है। चलो आप खेलो, मम्मी क्या खाना बना रही है मैं देख के आता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो लीजा मस्त भाजी बना रही है। तो आज जो भी भाजी की दुकान से हमने खरीद के लाया था तो बना रही है, शाबाश मेरी पत्नी, अच्छा अच्छा खाना बनाना, कुछ ना बतो है नहीं पर... Почему ты мне приказы вышла? Ты попросишь, пожалуйста, Лиза, вкусно приготовила. क्या बना रही बताओगी? लीजा को भी नहीं पता है क्या बना रही है, वो ट्राई कर रही है। मैं पर तो वो मशीन मिक्स वेजिटेबल बना रही है और
और हम लोग खड़े थे ना वहाँ पे ना, बहुत लोग आ रहे थे, नेगोशिएशन वगैरह भी कर रहे थे, जो सही है अपनी जगह जो है। बट मैं लीजा हमेशा बोल के रखा कि तू नेगोशिएशन मतलब ना वो चीज़ पे ध्यान रखते, क्योंकि हम जहाँ एक्सपेक्ट करते फॉर एग्जांपल बड़े बड़े मॉल में जाके शॉपिंग करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, खाना पीना खाते हैं, उनको टिप देते हैं, वो जानता है। बट जहाँ पे लोग मेहनत कर रहे तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं करेंगे, जो जितना चार्जेस है उतना पे करना चाहिए उनको, क्योंकि मतलब उसमें 10-20 रुपये वो कमा रहे एक्स्ट्रा ऊपर से, जो भी ठीक है चले, क्योंकि उतना मेहनत कर रहे। और जो बार्गेनिंग कर रहे हैं मैं उसको लेकर कुछ नहीं बोल रहा भाई, जिसको जैसा लगता है वो करो। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि डेली ब्लॉग्स बना सकूँ मैक्सिमम लाइक एक दिन का गैप में। बट आगे चल के ना मैं डेली ब्लॉग्स भी डालूंगा, ट्रैवलिंग ब्लॉग्स भी मिक्स करूंगा, क्योंकि अभी ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी, बेबी स्मॉल है। बट थोड़े दिन में हम ट्रैवल भी करेंगे, इंडिया भी एक्सप्लोर करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री करेंगे, यूरोप करेंगे, हर एक जगह ट्रैवल करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और गाइस कुछ सजेशन रहेगा तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना।